हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर राकेश रेडू। मैं हीलिंग हॉस्पिटल के साथ स्पाइन सर्जन हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि ओल्ड एज में स्पाइन सर्जरी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ओल्ड एज हम कंसिडर करेंगे स्पेशली आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। इस एज के अपने स्पेशल चैलेंजेस होते हैं। कुछ उम्र के साथ स्पाइन में डीजनरेशन आ जाती है, हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। ऑब्वियसली डिस्क की प्रॉब्लम भी इसी एज में ज़्यादा होती हैं। तो इस एज में हमें यंगर एज के कंपेयर करके स्पाइन सर्जरी के बाद कैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करने चाहिए, या यंग एज से इस एज में स्पाइन सर्जरी किस तरह से अलग है। पहले हम अगर लेडीज़ की बात करें, जो फीमेल पॉपुलेशन है उसमें एस्पेशली हमारी कंट्री में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। पोस्ट मीनोपोजल फीमेल्स होती हैं इस एज ग्रुप में, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी होती हैं। तो हमें जिन स्पाइन सर्जरी में फिक्सेशन करने की ज़रूरत लगती है, पेडिकल स्क्रूज डालने की ज़रूरत लगती है, उसमें हमें बड़ा सोचना पड़ता है कि पेशेंट की बोन हेल्थ कैसी है। अगर सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, हमें पता है हम स्क्रू डालेंगे, उन स्क्रू की होल्ड परचेज अच्छी नहीं होगी, तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए। मेल पेशेंट्स में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड्रोजेनिक हॉर्मोन्स होते हैं, बोन हेल्थ नॉर्मली अच्छी होती है, तो उन केसेस में हमें फिक्सेशन की तरफ से इतना सोचना नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एज के चैलेंजेस उनमें भी हैं, डीजनरेशन है, बाकी अपनी लाइफस्टाइल से क्या एक्सपेक्टेंसी है उसको ध्यान में रख के उनको रिजल्ट देने पड़ते हैं। इस एज में फीमेल पॉपुलेशन में स्पेशली हमारी कोशिश रहती है, अनटिल अनलेस हमें लगता है कि स्पाइन में इनस्टेबिलिटी नहीं है, स्पाइन स्टेबल है, हमें फिक्सेशन अवॉइड करते हैं, फिक्सेशन नहीं करते हैं। हम केवल डिस्केक्टमी करके, लंबर कैनाल स्टेनोसिस है ओनली, अच्छी डीकंप्रेसिव लेमिनेक्टमी करके उसी सेम रिजल्ट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। मेल पेशेंट्स में जहां पे इनस्टेबिलिटी है वहां पे पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन इंडिकेटेड है। एज कोई बार नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि 80 ईयर्स एज हो गई है, एज कोई बार नहीं है। पेशेंट का फंक्शनल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट की अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली एक बेड रिडन पेशेंट है, उसकी अपनी एक्टिविटी लाइफस्टाइल उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो जस्ट पेन मैनेजमेंट चाहता है, तो उसमें हम कई बार सर्जरी अवॉइड भी कर सकते हैं, ओनली एपिड्यूरल इंजेक्शंस लगा के या और मोडेलिटीज रूट ब्लॉक करके पेशेंट को पेन फ्री कर सकते हैं। दूसरा चैलेंज इसमें आता है एनेस्थीसिया साइड से, उस तरफ से काम मोस्टली हमारे एनेस्थेटिस्ट करते हैं। वो पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हार्ट स्टेटस, देयर ब्रेन स्टेटस, देयर ओवरऑल लंग्स कैपेसिटी, देयर स्टेटस, कि पेशेंट हाई रिस्क है कि लो रिस्क है। अगर लो रिस्क है, बिना सोचे समझे आराम से सर्जरी इंडिकेशन बनती है, इसके लिए जाना चाहिए। डेफिनेटली अगर हाई रिस्क है तो हम फैमिली के साथ बैठ के पहले बात करते हैं कि हम केवल पेन मैनेजमेंट करें और मोडेलिटीज़ करें, या इसमें सर्जरी के लिए जाएं, उसमें कितना रिस्क है, क्या इम्प्रूवमेंट होगी, वो बैलेंस एक बार डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ स्पेशल चैलेंजेस रहते हैं ओल्ड एज ग्रुप में जो यंग एज से अलग हैं, इनको देखते हुए डिसीजन थोड़े से चेंज हो जाते हैं, तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आप कुछ भी इसके बारे में एडिशनल जानना चाहते हैं, तो हमारे YouTube इस चैनल पे आप अपने कमेंट भेज सकते हैं, हम इसमें जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे। और अगर आप पर्सनली भी मिलना चाहते हैं तो आप आइए हीलिंग हॉस्पिटल में, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, फेस टू फेस डिस्कस कीजिए अगर आपके पास जो भी केस है। और मैं कहना चाहूँगा, आप अपनी प्रीवियस MRI की फिल्म और सारी रेडियोलॉजी जरूर लेके आइए, ताकि हम एक फेयर डिस्कशन उसमें कर सकें। थैंक यू।